नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। माँ भगवती देवी दुर्गा कलयुग में माँ भगवती महामाया की अंतिम अवतार है। जब आप दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण पढ़ेंगे तो उसमें आपको ज्ञान मिलेगा कि भगवती ने जब महिषासुर का मर्दन किया तो उन्होंने अपने अंतिम अवतार के बारे में बताया, और उन्होंने बताया कि दुर्गम नाम का एक राक्षस का प्राकट्य होगा और उसके वध के लिए जब भगवती का प्रादुर्भाव होगा तब उनका नाम दुर्गा होगा। कलयुग में भगवती का सबसे प्रभावी मंत्र होता है दुर्गा का, और दुर्गा भगवती के बारे में सबसे ज्यादा अगर किसी तंत्र में बताया गया है तो वो है वन दुर्गा संहिता। ठीक है, वन दुर्गा संहिता एक पुस्तक के रूप में तो जो असली किताब है वो उपलब्ध नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो महान तांत्रिक शोधकर्ता हिंदू धर्म के हुए उन्होंने वन दुर्गा संहिता का बहुत सारा ज्ञान अलग अलग पुस्तकों में समाहित किया। उसी में वन दुर्गा संहिता का एक भाग है जिसमें शूलिनी दुर्गा का मंत्र दिया गया है। मैंने जो टाइटल दिया उसमें यह बताया है कि शूलिनी दुर्गा का मंत्र, एक मंत्र सिद्ध कर लीजिए और आपका जीवन इसी से सिद्ध हो जाएगा। क्यों? एक तो ये है कि जब आप शूलिनी दुर्गा का मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं तो माँ भगवती की असीम कृपा आप पे बनी रहती है, आपका धन बढ़ेगा, आपका पुत्र पौत्र संपत्ति इसमें इजाफा होगा, और जो शत्रु है उनका तो अंत तय होता है। जब आप इसके मूल मंत्र का साधना कर लेते हैं, जब इसको सिद्ध कर लेते हैं तो इससे बहुत सारा प्रयोग होता है। जैसे जो बहुत असाध्य रोग होता है या किसी को बहुत ज़्यादा भय लगता है तो उसकी मुक्ति के लिए इस मंत्र का प्रयोग होता है। जो दुष्ट ग्रह होते हैं, जैसे बहुत सारा अंगूठी आपको पहनना पड़ता है, तो जो दुष्ट ग्रह होते हैं उनका भी निवारण इनके मंत्र से होता है। जो सर्प का भय होता है उसका इसके जाप मात्र से उपाय होता है। जब आप पे चारों तरफ से शत्रुओं ने हमला कर दिया हो या आपके कोई नज़दीकी हो उन पे किसी शत्रुओं ने पूरा हमला कर दिया हो तब भी ये मंत्र काम आता है। ठीक है, और स्तंभन, उच्चाटन, वशीकरण जितना भी आप अभिचारिक सोच सकते हैं वो सब इस एक भगवती के मंत्र से संभव है। ठीक है, भगवती जो है इनका ध्यान आपको अपने हृदय में करना होता है। भगवती शूलिनी दुर्गा के बारे में कहा जाता है कि इनके जो केश हैं ये मेघ जटाओं के तरह श्याम वर्ण के होते हैं, इनके हाथ में भीषण त्रिशूल, बाण, असी, शंख, चक्र, गदा, धनुष और पाश होता है, मस्तक पर मुकुट, उस पर चंद्रकला और बहुत सारे आभूषण भगवती धारण करती है, सिंह पर आसीन होती है, खेट धारणी है भगवती, और भगवती के चारों तरफ चार कन्याएं हमेशा खड़ी रहती हैं। भगवती का उद्देश्य जो है वो दैत्य को विनाश करना है, ऐसा सोच करके भगवती का हृदय में ध्यान करना चाहिए। और जब आप ध्यान करते हैं तो ये प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवती मुझे जन जन्मांतर के बंधन से मुक्ति दो। जैसे हम बोलते हैं ना, लोभ मोहन महामाया रक्षताम परमेश्वरी, इसमें बोलते हैं हे भगवती मुझे जन जन्मांतर का जो बंधन है इससे आप मुक्ति दो। तो जो शुरुआत का जो विधान है, जैसे गुरु पंक्ति प्रणाम, गणपति प्रणाम, कुंभ प्रणाम, अनंत प्रणाम, उसके बाद ओम श्री दुर्गा देवी नमः बोल करके इस पूरे विधान का शुरुआत करते हैं। ध्यान कर लिया आपने पंच पूजा करके, उसके बाद ऋषि न्यास करते हैं। तो ऋषि न्यास कैसे करते हैं? शूलिन्ये हुम बीजम स्वाहा शक्ति। ठीक है, ऋषि न्यास शुरू करेंगे, दीर्घ तप से ऋषि नमः ऐसा बोल के सर्ग स्पर्श करेंगे।
कुकुब छंद से नमः मुख का स्पर्श करेंगे, दुर्गा देवी देवतायै नमः या दुर्गा देवतायै नमः बोल के हृदय का स्पर्श करेंगे। हुम बिजाय नमः गुह्ये मतलब पीछे जो आपका टेल बोन है उसका स्पर्श करेंगे, और स्वाहा शक्तयै नमः ये बोल करके हम जो है दोनों जो अपने चरण है उसका स्पर्श करेंगे। देखो एक बहुत, क्योंकि ये तांत्रिक भगवती है तो इनका पूजा और न्यास ना और देवी देवताओं से अलग होता है, तो बाकी जो भी आप मंत्र करते हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का भी जब आप न्यास करते हैं तो उसमें छह तरीके का न्यास होता है, ठीक है, षडंग न्यास बोलते हैं। लेकिन भगवती शूलिनी दुर्गा का जब आप जाप करते हैं तो उसमें पंच न्यास ही होता है, पंचांग न्यास उसको बोला जाता है, और यही पंचांग न्यास में अगर थोड़ा सुधार कर दिया जाए तो ये भगवती कवच हो जाता है। पहले मैं आपको न्यास बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। शूलिनी दुर्गे हुम फट हृदयाय नमः, हृदय को स्पर्श करेंगे। शूलिनी वरदे हुम फट सिर से स्वाहा, सिर का स्पर्श करेंगे। शूलिनी विंदे व्यासनी हुम फट शिखाया वसट, तो शिखा का स्पर्श करेंगे। शूलिनी असुर मर्दनी हुम फट कवचाय हुम, तो क्रॉस करके दोनों कंधों को छुएंगे, हाथों को उसका। शूलिनी युद्ध प्रिय त्रासय त्रासय अस्त्राय फट, तो जो अस्त्राय फट का हम लोग करते हैं कि राइट हैंड का मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर्स को बाहर निकाल करके बाकी मुट्ठी को बंद कर लेते हैं, सर के चारों तरफ तीन बार घुमाते हैं और लेफ्ट हैंड का जो तलवा है उस पर तीन बार ताली बजाते हैं ऐसे। इसी में ये तो हो गया पंचांग न्यास, लेकिन अगर सिर्फ आपको रक्षा के लिए भगवती शूलिनी का न्यास करना है तो कैसे करेंगे? शूलिनी दुर्गा सिर्फ कुछ शब्दों का हेरफेर है, ये भगवती का पंचांग न्यास के साथ साथ देवी कवच भी है, तो इसको ध्यान से सुनिए। शूलिनी दुर्गा देव सिद्धि सुपूजते नंदनी रक्ष रक्ष महायोगेश्वरी हुम फट हृदयाय नमः, तो हृदय का स्पर्श करेंगे, ठीक है। शूलिनी वरदे देव सिद्धि सुपूजते नंदनी रक्ष रक्ष महायोगेश्वरी हुम फट सिर से स्वाहा, तो शीर्ष जो आपका सर है उसका स्पर्श करेंगे। शूलिनी विंध्यवासिनी देव सिद्ध सुपूजिते नंदनी रक्ष रक्ष महायोगेश्वरी हुम फट शिखाया वसटा, तो शिखाया का स्पर्श करेंगे। शूलिनी असुर मर्दनी देव सिद्ध सुपूजिते नंदिनी रक्ष रक्ष महायोगेश्वरी हुम फट कवचाय हुम, तो कवच का कवच जो हमने क्रॉस करके दोनों कंधों का स्पर्श करते हैं वैसे करेंगे। शूलिनी युद्ध प्रिय त्रासय त्रासय देव सिद्धि सुपूजिते नंदिनी महायोगेश्वरी रक्ष रक्ष हुम फट अस्त्राय फट, इसमें जो सर के ऊपर से हाथ घुमा करके जो तीन बार ताली बजाते हैं वो करेंगे। ये जो मैंने दूसरा आपको पंचांग न्यास बताया इसको रक्षा न्यास भी बोलते हैं, और ऐसा करने से भगवती का जो है रक्षा कवच आपके चारों तरफ बन जाता है। तो दुर्गा सप्तशती में तो हम बहुत बड़ा देवी कवच पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ इतना न्यास करने से अगर पंचांग न्यास आप भगवती शूलिनी दुर्गा का कर लेते हैं तो आप हर तरीके के बाधाओं से जो है बच जाते हैं। अच्छा, शूलिनी भगवती का क्या है कि आप रोज इतना करने के बाद 108 बार जाप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपको भगवती का मंत्र सिद्ध करना है तो इनका जो है करीब करीब 15 लाख जो पुस्तक में वर्णन है 15 लाख जाप करके और उसका दशांश मतलब 1.5 लाख आहुति करने से इनके मंत्र की सिद्धि हो जाती है। मंत्र क्या है? मंत्र मैं तीन बार बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा। ज्वल ज्वल दुष्ट ग्रह शूलिनी हुम फट स्वाहा, ज्वल ज्वल दुष्ट ग्रह शूलिनी हुम फट स्वाहा, ज्वल ज्वल दुष्ट ग्रह शूलिनी हुम फट स्वाहा। अच्छा,
इतना करने के बाद 1.5 लाख हवन एक दिन में नहीं करना है, पहले तो 15 लाख इसका जाप करने में आपको साल भर लगेगा, और जब आप इसका दशांश शुरू करेंगे तो दशांश के बीच में जाप नहीं करेंगे, सिर्फ दशांश हवन करते रहेंगे। हवन सामग्री जो जो मिलता है बाजार में, उस हवन सामग्री में जितना भी सुगंधित तत्व है, जैसे इत्र हो, गुलाब की पंखुड़ियाँ हो, है ना, गूगल हो, धूमन हो, इस तरह का जितना भी सुगंधित तत्व है उसको मिला करके भगवती का आम की समिधा पर घी मिला करके हवन करना चाहिए, ठीक है। इतना करने से ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। मंत्र जब इनकी जब सिद्ध होता है तो इनके मंत्र का बहुत सारा अभिष्ट प्रयोग है, ठीक है। वो प्रयोग जो मंत्र सिद्ध करेंगे या जो मेरे द्वारा इस भगवती इन भगवती की सिद्धि के लिए जो साधना शिविर लगेगी उसमें आएंगे, उनको मैं जो सारे अभिचारिक प्रयोग है इस मंत्र के साथ वो सिखाऊंगा। आज के लिए इतना ही। जिनको पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे बेसिक साधना ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नंबर है 9431188585। इसमें आप साधना का शुरुआती विधान, तंत्र मंत्र यंत्र बनाना सीख सकते हैं। मेरे द्वारा लिखे गए लिंक जिनको पढ़ना है वो www.aghortantrahasya.com पर चले जाइए, उसमें सारे सारा विद्या और विधान लिखा हुआ है। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें rudranath.cm4 सर्च करिएगा तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा। आज के लिए इतना ही। माँ भगवती देवी दुर्गा महामाया आप सभी पर अनंत आशीर्वाद बरसाए, ऐसे उनसे मेरी प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश आला खारेश।